नमस्कार बच्चों बच्चों आज मैं 9th क्लास का टॉपिक सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ये एक्सरसाइज 13.1 करवाऊंगा, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है ए प्लास्टिक बॉक्स 1.5 मीटर लॉन्ग, 1.25 मीटर वाइड एंड 65 सेंटीमीटर डीप इज टू बी मेड, इट इज टू बी ओपन एट द टॉप, इग्नोरिंग द थिकनेस ऑफ द प्लास्टिक शीट डिटरमाइन। क्या कहा, एक प्लास्टिक का डब्बा है जो 1.5 मीटर लंबा है, 1.25 मीटर चौड़ा है एंड 65 सेंटीमीटर गहरा है। इट इज टू बी ओपन एट द टॉप, ये ऊपर से खुला हुआ है। इग्नोरिंग द थिकनेस ऑफ द प्लास्टिक शीट डिटरमाइन, क्या कहा इसने, जो प्लास्टिक की सीट की जो मोटाई है उसको हम इग्नोर नगण्य मानेंगे। डिटरमाइन, हमें फाइंड आउट करना है द एरिया ऑफ सीट रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग द बॉक्स, उस डब्बे को बनाने में कितनी सीट प्लास्टिक सीट की जरूरत हुई, हमें ये निकालना है। देन आफ्टर द कॉस्ट ऑफ सीट फॉर इट, हम उस सीट की कीमत मूल्य निकालना है। इफ ए सीट मेजरिंग 1 मीटर स्क्वेयर कॉस्ट 20 रुपीज, यदि 1 मीटर स्क्वेयर सीट की जो मूल्य है वो 20 रुपये हो तो देखिए सबसे पहले हम उस डब्बे का एरिया निकालेंगे। सपोज कर लीजिए जो प्लास्टिक का डब्बा है वो इस शेप में है, इसकी जो लंबाई है वो 1.5 मीटर है, चौड़ाई है 1.25 मीटर और जो उसकी गहराई है या ऊंचाई 65 सेंटीमीटर। इसने कहा ऊपर से ये खुला हुआ है, ये जो सतह है उसकी वो ओपन है। तो देखिए सबसे पहले इस जो चारों सरफेस है, या मैं ये कहूँ चारों दीवारों का एरिया निकालेंगे, या फिर ये कह सकते हैं कि इसका कवर्ड सरफेस एरिया निकालेंगे, देन आफ्टर उसका बेस का एरिया निकालेंगे। तो देखिए लेंथ ऑफ बॉक्स हो गई हमारी 1.5 मीटर, वाइड या ब्रेथ ऑफ बॉक्स, ब्रेथ होगी हमारी 1.25 मीटर एंड हाइट ऑफ बॉक्स, हाइट हो जाएगी हमारी 65 सेंटीमीटर। अब ध्यान दीजिए लेंथ मीटर में, ब्रेथ मीटर में, बट हाइट जो है वो सेंटीमीटर में। तो सबसे पहले तीनों की एक यूनिट होनी चाहिए, क्या तो इनको मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए या फिर इनको सेंटीमीटर में। तो मैं जो हाइट है उसको मीटर में कन्वर्ट कर रहा हूँ, तो 65/100, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.65 मीटर आ गया। देन आफ्टर इसका कवर्ड सरफेस एरिया निकालेंगे, या ये कहीं एरिया ऑफ प्लास्टिक, एरिया ऑफ सीट CSA ऑफ बॉक्स प्लस एरिया ऑफ बेस, तो CSA होगा 2 × L + B इंटू हाइट प्लस बेस का एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ। 2 लेंथ है 1.5, ब्रेथ हमारी 1.25, हाइट हमारी 0.65 प्लस लेंथ 1.5 इंटू ब्रेथ है 1.25 मीटर। देन आफ्टर यह आएगा हमारा मीटर स्क्वेयर में, 2 1.5 को 1.25 में ऐड किया तो आएगा हमारा 2.75 इंटू 0.65 प्लस 1.5 इंटू 1.25 मीटर स्क्वेयर। देन आफ्टर अब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए क्या आता है,
तो इसकी मल्टीप्लाई की तो आ गया हमारा 3.575, एंड 1.5 की मल्टीप्लाई 1.25 से मल्टीप्लाई की तो आया हमारा 1.875। इन दोनों का ऐड करेंगे तो 5 5 10 7 7 14 एंड 1 15 13 एंड 1 14 3 एंड 1 4 एंड 1 5, 5.45 मीटर स्क्वेयर। ये आ गया एरिया ऑफ सीट। देन आफ्टर हमें निकालना था कॉस्ट ऑफ सीट फॉर इट। इफ द सीट मेजर्स 1 मीटर स्क्वेयर कॉस्ट, ये था तो यहां लिखिए कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वेयर सीट वो दिया हुआ है 20 रुपीज, एंड कॉस्ट ऑफ 5.45 मीटर स्क्वेयर सीट ये हो जाएगा 5.45 × 20 रुपीज, तो हो जाएगा 0 2 5 10 2 4 8 8 1 9 2 5 10, तो ये आ गया हमारा 109 रुपीज। कॉस्ट ऑफ 5.45 मीटर स्क्वेयर सीट आ गई 109 रुपीज। क्वेश्चन नंबर सेकंड, द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ ए रूम आर 5 मीटर 4 मीटर एंड 3 मीटर रिस्पेक्टिवली। फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग द वॉल ऑफ द रूम एंड द सीलिंग एट द रेट ऑफ 7.50 पर मीटर स्क्वेयर। क्या कहा, एक रूम की लेंथ ब्रेथ और हाइट दी हुई है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दी हुई, हमें उस चारों दीवारों और छत पर वाइट वॉश करने का की कॉस्ट निकालनी है। यदि 1 मीटर स्क्वेयर वाइट वॉश करने का जो खर्चा है वो 7.50 रुपीज हो, तो देखिए लेंथ ऑफ रूम 5 मीटर है, ब्रेथ 4 मीटर, एंड जो हाइट है हमारी वो होगी 3 मीटर। देखिए वाइट वॉश करने का खर्चा निकालना है तो सबसे पहले वाइट वॉश कितने एरिया में की गई वो एरिया निकालेंगे, तो चारों दीवारों का एरिया हो जाएगा प्लस छत का एरिया। चारों दीवारों के लिए सी एस ए यूज करें, मतलब कवर्ड सरफेस एरिया, तो यहाँ पर लिखे एरिया ऑफ वाइट वॉश सी एस ए ऑफ रूम प्लस एरिया ऑफ सीलिंग, चारों दीवारों का एरिया हो जाएगा और उसके छत का एरिया हो जाएगा, तो सी एस ए होगा 2 × L + B × height, सीलिंग का एरिया होगा लेंथ इंटू ब्रेथ। टू लेंथ हो गया हमारे 5, ब्रेथ है 4, हाइट है 3, 5 × 4 मीटर स्क्वेयर। 5 को 4 में ऐड किया 9 × 3, 5 4 20, 9 2 18, 18 3 54 +20 ये हो जाएगा हमारे 74 मीटर स्क्वेयर। जो वाइट वॉश किया गया, वाइट वॉश जो दीवारों और छत पे किया गया उसका एरिया आ गया 74 मीटर स्क्वेयर। अब हम कॉस्ट निकालेंगे, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वेयर वाइट वॉशिंग वो दिया हुआ 7.50 रुपीज, एंड कॉस्ट ऑफ 74 मीटर स्क्वेयर वाइट वॉशिंग 74 × 7.50। अब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, 74 को 7.50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 55500, यहाँ डेसिमल लग जाएगा रुपये। क्वेश्चन नंबर 3, द फ्लोर ऑफ ए रेक्टेंगुलर होल हैज ए पैरामीटर 250 मीटर। क्या कहा, एक रेक्टेंगुलर होल है उसके फ्लोर का जो पैरामीटर है 250 मीटर है। इफ द कॉस्ट ऑफ
पेंटिंग द फोर वॉल एट द रेट ऑफ 10 रुपीज पर मीटर स्क्वेयर इज 15,000 रुपीज। यदि उस जो हॉल है उसकी चारों दीवारों पर पेंट करने का टोटल कॉस्ट दी हुई है 15,000 रुपीज, यदि 10 रुपये एक मीटर स्क्वेयर के हिसाब से हो। फाइंड द हाइट ऑफ द हॉल, हमें हाइट निकालनी है हॉल की। तो देखिए, सबसे पहले जो ये कॉस्ट दी हुई है, कॉस्ट ऑफ फोर वॉल, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द फोर वॉल हो जाएगी हमारी 15,000 रुपीज। रेट दिया हुआ है 10 रुपीज पर मीटर स्क्वेयर। देन आफ्टर एरिया ऑफ फोर वॉल, जो टोटल कॉस्ट दी है उसको उसके रेट से डिवाइड कर दें तो आ जाएगा हमारा एरिया ऑफ फोर वॉल, ये आ गया 1500 मीटर स्क्वेयर। देन आफ्टर, अब यहाँ पैरीमीटर दिया हुआ है, पैरीमीटर ऑफ फ्लोर 250 मीटर। देन आफ्टर इसकी हाइट निकालेंगे, पैरीमीटर होता है हमारा 2 × L + B इक्वल इंटू 250, और जो एरिया ऑफ फोर वॉल होगा वो होगा एरिया ऑफ फोर वॉल 2 × L + B इंटू हाइट। अब देखिए 2 × L + B दिए 250, यहाँ पर 250 पुट कर देंगे इंटू हाइट इक्वल 1500, और जो यहाँ से हाइट आ जाएगी 1500 / 250, तो आ जाएगा हमारा 6। मीन्स हाइट ऑफ जो होल है रेक्टेंगुलर होल उसकी हाइट आ गई 6 मीटर। क्वेश्चन नंबर 4th, द पेंट इन ए सर्टेन कंटेनर इज सफिशियंट टू पेंट एन एरिया इक्वल टू 9.375 मीटर स्क्वेयर। क्या कहा, एक पेंट का डिब्बा है जो 9.375 मीटर स्क्वेयर के एरिया के लिए सफिशियंट है। तो हाउ मैनी ब्रिक्स ऑफ डायमेंशन 22.5 cm × 10 cm × 7.5 cm कैन बी पेंटेड आउट ऑफ दिस कंटेनर। क्या कहा, हमें नंबर ऑफ ब्रिक्स निकालनी है। यदि एक जो ईंट है, ब्रिक्स है, ब्रिक है, वो 22.5 cm लंबी हो, 10 cm चौड़ी हो, 7.5 cm ऊंची हो, तो हमें नंबर ऑफ ब्रिक्स निकालना है। तो देखिए, सबसे पहले हम एरिया ऑफ ब्रिक्स निकालेंगे, लेंथ ऑफ ब्रिक 22.5 cm, ब्रेथ ऑफ ब्रिक वो दे 10 cm एंड हाइट ऑफ ब्रिक हो गया 7.5 cm। अब देखिए, जो ये ब्रिक है इसका यहाँ टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ वन ब्रिक वो होगा 2 × LB + BH + HL। टू, लेंथ है 22.5, ब्रेथ है 10, 10 × हाइट है 7.5, 7.5 × 22.5 मीटर स्क्वेयर। तो ये 22.5 को 10 से मल्टीप्लाई करें 225, 10 को 7.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 75, अब 7.5 को 22.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारा
7.5 को 22.5 से मल्टीप्लाई किया तो 168.75 आ गया। अब इन सभी को जोड़ें, 225 प्लस 75 प्लस 168.75 तो आएगा हमारा 468.75। इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 937.50 सेंटीमीटर, ये एक ईंट का एरिया आया। अब देखिए जो हमारा पेंट था इतने एरिया के लिए सफिशियंट था, द पेंट इज सफिशियंट एन एरिया इक्वल टू 9.375 मीटर। अभी देखिए ये एरिया हमारा मीटर स्क्वेयर में, ये सेंटीमीटर स्क्वेयर में, यदि मैं इसको भी सेंटीमीटर स्क्वेयर में कन्वर्ट करूं तो एक मीटर में हमारा 100 सेंटीमीटर होता है और एक मीटर स्क्वेयर में 10,000 सेंटीमीटर स्क्वेयर होगा। तो इसको मैं 10,000 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो हम आएगा 9375.0 सेंटीमीटर स्क्वेयर। देन आफ्टर नंबर ऑफ ब्रिक्स टोटल एरिया को वन ब्रिक के एरिया से डिवाइड कर देंगे, 9375.0/937.50। सबसे पहले इसका डेसिमल हटाऊंगा, ऊपर 100 हो जाएगा, ये कट गया, कितना बच गया 100। तो नंबर ऑफ जो ब्रिक्स है वो आएंगे 100।